विजअल फिट कंप्यूटर डिजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं सर आशा हो आप अच्छे होंगे आज हम फिर एक नए टॉपिक आपके लिए लाए हैं जो ए डी सी ए डी सी एंड बी सी सी कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कोर्सेज जो आज के डेट में देखा जा रहा है कि सबसे पहले भी ये पीछे टॉपिक जो पढ़ रहे थे फंडामेंटल पढ़ रहे थे फंडामेंटल के बाद आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एम एस टॉस यानी एम एस टॉस क्या होता है व्हाट अबाउट डम एस डॉस एम एस टॉस क्या होता है एम एस टॉस को रन कराने के लिए हमें किस किस फाइल की आवश्यकता हो होती है और ये एम एस डॉस का इंट्रो क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन का परिचय क्या है एम एस डॉस ने किसने बनाया किस किस फाइल के द्वारा एम एस डॉस को सक्सेसफुल रन कराया जा सकता है एम एस डॉस का प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है तो आज स्टूडेंट आज जानेंगे हम लोग एम एस डॉस के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस डॉस क्या होता है तो स्टूडेंट तो स्टार्ट तो 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 करते हैं इंट्रोडक्शन ऑन एम डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पर एम एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस फेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर डॉस स्टैंड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बेसिकली वर्क As an interpreter to provide an interface between the hardware and program software, it also control the overall operating operation of the computer system and the flow of data, etc. As other operating systems do, MS DOS is a single user operating system. It uh, uh, uses a command line interface to

कमांड के माध्यम से ही ऑपरेट या इंट्रक्शन दे सकते थे तो आई स्टूडेंट इसका हिंदी में जाने एमेस्टॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्स डॉट एटी सिक्स प्रोसेसर का इस्तेमाल का इस्तेमाल करता है पाना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एमेस्टॉस के ऊपर रन करता था आज भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस के सपोर्ट से चलता है यानी आज भी आपके सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी स्टार्ट होता है बिना डॉस के माध्यम से स्टार्ट नहीं हो सकता है तो आई स्टूडेंट जाने कि इस डॉस को किसने बनाया था तो ये है डॉस के इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति जिसका नाम है टीम पीटरसन जिसने MS -DOS का आविष्कार किया था 1981 में MS -DOS का आविष्कार इन्हीं व्यक्ति ने किया था जो आज कंप्यूटर का सबसे बेसिक पॉइंट है जिसके माध्यम से लैपटॉप या डेस्कटॉप हमारा स्टार्ट होता है तो आइए जाने स्टूडेंट इस डॉस को चलाने के लिए कंप्यूटर में कौन कौन सी इंटरनल फाइल की आवश्यकता होती है तो आपके सामने वट द सिस्टम फाइल्स आर रिकॉर्मेंट टू रन एम एस डॉट सक्सेसफुल्ली एम एस डॉ को चलाने के लिए तीन फाइल की आवश्यकता हो होती है पहला फाइल, दूसरा फाइल है आई डॉस डॉट तीसरा है कमांड डॉट कॉम ये तीन ऐसे फाइल होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर स्टार्ट करता है बूट करता है तो आई स्टूडेंट हम जाने ये बूट कैसे करता है यानी बूटिंग क्या होता है तो आपके स्क्रीन पे बूटिंग का डेफिनेशन बूटिंग व्हाट इज द बूटिंग सिस्टम बूटिंग इज द सिस्टम इज डन बाय द लोडिंग द केर्नल इनटू टू द मेन मेमोरी एंड स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन द सीपीयू इज गिवन ए रीसेट इवेंट एंड द इंट्रक्शन रजिस्टर इज लोडेड विथ ए प्री मेमोरी लोकेट वेअर एग्जीक्यूशन स्टार्टिट्स तो आई स्ट्रेंड इसका डिफिनेशन हिंदी में जाने सिस्टम बूटिंग बूट करना कैर्नल के मुख्य मेमोरी में लोड करके और इनके निष्पादन को शुरू कर, कर करने से होता है सीपीयू को एक रिसेट घटना घटना दी जाती है और अनुच्छेदन रजिस्टर के एक पूर्ण निर्धारित मेमोरी स्थान के साथ लोड किया जाता है जहां निष्पादन शुरू होता है यानी कंप्यूटर की बोटिंग सिस्टम के लेकर ये इंटरनल जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम पोस्ट करते हैं यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर अपने सभी डिवाइस को वन बाय वन सेट करते हुए आगे बढ़ता है तो वो आई स्टूडेंट जाने कि ये बोटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो ये देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बोटिंग सिस्टम यानी तीन प्रकार के बोटिंग सिस्टम होता है पहला है पोस्ट जिसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पहले खुद अपने इंटरनल डिवाइस को टेस्ट करता है यानी इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किसके बारे में बता रहा है ये पहला फाइल जो स्क्रीन आपके सामने है आईडोड ये जो कार्य करता है जो काम करता है उस काम का नाम है एंड उस काम का नाम है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये क्या करता है सभी इंटरनल डिवाइस को सेल्फ टेस्ट करता है ये इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द प्रोसेस परफॉर्मड बाय द एंड फायरवेयर और सॉफ्टवेयर रूटीन इमिडिएटली आफ्टर ए कंप्यूटर आर अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज पावर्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट मे बी डिस्प्लेड ऑन द पैनल डेट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइस आउटपुट टू एक्सटर्नल डिवाइस आर स्टोरेज फॉर फ्यूचर एंड रीवेबल फाइट द डोनेजिक स्टूल्स वाइस टूरेंट इसका डिफिनेशन हिंदी में दिखें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चालू होने के तुरंत बाद फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर रूटीन द्वारा दी जाती है पोस्ट के परिणामों को एक निश्चित पैनल पर प्रदर्शित किया जा सकता है जो डिवाइस का हिस्सा है बाहरी डिवाइस को आउटपुट करता है या नैदानिक उपकरण द्वारा भविष्य की पुनः प्राप्ति के लिए ंग्रहित किया जाता है यानी कहने का मतलब स्टूडेंट है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सा, ये जो फाइल होता है आई डॉट सीज ये इंटरनल डिवाइस को रिचेक करता है यानी अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है कि वो डिवाइस हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आई स्टूडेंट इसकी सेकेंड स्टेप जाने सेकेंड स्टेप है इसका नाम व्हाट इज द रॉम बॉयस तो रॉम बॉयस किसके बारे में समझा रहा है आइए इसके पहले देख लें रॉम बॉयस समझा रहा है आपको एम एस डॉस डॉट सिस इसका काम है रोम बॉयस करना रोम बॉयस का मतलब आई स्क्रीन पे देखें तो रोम बॉयस आपके सामने है ये रोम बॉयस यानी रोम बॉयस क्या होता है तो रोम बॉयस जिसका बोलते हैं रोम मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द बायोस इन पी सी स्टार्ट ऑन द रोम चिप अर्लियर पी सी यूज ए रोम बायोस बट पी सी टूडे यूज ए फ्लैश मेमोरी

संग्रहित होता है यानी ये पीसीबी में लगा होता है प्रारंभिक पीसी एक रॉम बायोस का उपयोग करते हैं लेकिन पीसी आज एक पैनल ए, एक फ्लैक्स मेमोरी बायोस का उपयोग करते हैं क्योंकि इसे जगह में अपडेट किया जा सकता है रॉम बायोस को अपडेट करने के लिए कंप्यूटर के, के, के केस को खोलना पड़ता है खोलना पड़ता था और रॉम चिप को स्थिति से बदलना पड़ता था यानी कंप्यूटर अपने आप को अपडेट जो करता है जो ऑटोमेटिक टाइम को रिसेट करता है वो कौन सी फाइल होती है इसका नाम है रॉम बायोस यानी इंटरनल यानी बेसिक इनपुट इंटरनल एंड आउटपुट डिवाइस को री चेक करता है तो आई स्टोट तीसरा स्टेप जाने क्या है तीसरा स्टेप है व्हाट इज़ द लोडिंग सिस्टम फाइल यानी कंप्यूटर को लोड करना यानी इन तीनों फाइल का काम है आई डॉट सिस जो पोस्ट के बारे में बताता है कि पोस्टिंग करता है दूसरा एम एस डॉट से जो ROM BIOS के बारे में समझाता है और तीसरा है कमान डॉट कॉम जिसका नाम है लोडिंग सिस्टम फाइल यानी ये दो इंटरनल फाइल जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं यानी इंटरनल हार्डवेयर फाइल को रिचेक करता है और जो एम DOS को स्टार्ट करता है जिसका नाम है कमान डॉट कॉम ये डॉस को ओपन करता है जब स्क्रीन पे आपका डॉस खुलता है तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है तो स्टूडेंट आपके सामने है एम एसडॉस खुलने पे ये सबसे पहला साइन आएगा जिसका नाम है सी प्रम्प्ट डॉस प्रोम्प्ट सी रूट या सी ड्राइव पहले के समय जब कंप्यूटर ऑन होता था तो सबसे पहले ये साइन आता था जब तक ये प्रॉम्प्ट नहीं आ जाए तब तक कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकते थे जैसे आज के डेट में आप जब तक विंडोज़ नहीं खुल के आता है तब तक काम नहीं कर सकते हैं उसी तरह से पहले डॉस स्टार्ट होने पर सबसे पहले ये साइन आता था जिनके बाद ही हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकती थी। तो यही था आज का एम एस डॉस की फुल इंफॉर्मेशन आशा स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि एम एस डॉस क्या होता है एमएस डॉस को चलाने के लिए हमें कौन कौन सी फाइल की जरूरत पड़ती है तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि आज जो हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप जो स्टार्ट होते हैं उनकी जो सपोर्टिंग फाइल होती है जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसका नाम है एमएस डॉस तो हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखा कीजिए क्योंकि सारे वीडियोस आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन या ट्रिपल सी जैसे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए नमस्कार